इसमें लहमान रहीम सो एज वी आर डूइंग डेरेवेटिव उसमें हमने भी लास्टली स्वैप्स की बात की थी सो वे गोइंग टू डिस्कस एन एक्सटेंशन ऑफ दैट विच इज नॉट स्पेसिफिकली अ टाइप ऑफ स्वैप बट अ न्यू एरिया कॉन्सेप्ट विच इज फ्रीकुनली यूज दैट इज कॉल्ड क्रेड डिफॉल्ट स्वैप और इसमें हम सिंगल नेम और इंडेक्स दोनों की बात करेंगे कि वट आर द्रेड डिफॉल्ट स्वैप्स आर एंड हाउ दे वर्क Credit Default Swap is a contract between two parties in which one party पार्टी protection from another party. Protection पार्टी का जो वर्ड आपके माइंड में आता है तो for simplicity अगर आप अपने माइंड में insurance का कॉन्सेप्ट रख लें तो ये समझना हमारे लिए बड़ा एक आसान हो जाएगा CDS डी एस भी एक तरह की इंश्योरेंस ही है तो वी परचेज प्रोटेक्शन फ्राम अनादर पार्टी फॉर लॉस अगेंस्ट डिफॉल्ट ऑफ अ बॉर् फॉर अ डिफाइंड पीरियड स्ट्रक्चर क्या है कि हमने किसी का बॉन्ड खरीदा तो रिस्क क्या है कि वो जो बॉन्ड होल्डर है उसको रिस्क यह है कि जो पार्टी जिसने बॉन्ड इशू किया हुआ है दैट कैन डिफॉल्ट तो उस रिस्क को कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हाउ इट वर्क विल जस्ट बी डिस्कसिंग सी डी एस इज रिटन ऑन द डेट ऑफ अ थर्ड पार्टी कॉल्ड रेफरेंस एंटिटी ये वही एंटिटी जिसका एक्चुअली बॉन्ड इशू हुआ हुआ है हुज रेलिवेंट डेट इज़ कॉल्ड द रेफरेंस ऑब्लिगेशन कि जिस अमाउंट से हम या जिस पर्टिकुलर लाइबिलिटी की हम बात कर रहे हैं और नॉर्मली ये सीनियर अनसिक्योर्ड होते हैं क्योंकि सिक्योर्ड में तो यू हैव अ सिक्योरिटी नॉर्मली दिस इज़ मोर रेलिवेंट इन अनसिक्योर्ड ट्रांजेक्शंस टी डी एस अ पर्टिकुलर रेफरेंस नॉर्मली प्रोवाइड कवरेज फॉर ऑल अब्लिकेशन ऑफ द रेफरेंस इन दैट लेवल अब उस कैटेगरी में जितनी भी वो इंस्ट्रूमेंट्स uh, आ रहे हैं ये उन सबको को कैप्चर करा होता है बिकॉज दैट्स अ लेवल विच इज बीग प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फॉर द टू पार्टीज टू द सी डी एस आर क्रेडिट प्रोटेक्शन बायर एक जो इन्वेस्टर है जिसको रिस्क है कि वो पार्टी कहीं जो मेरे जहाँ फंड्स इन्वॉल्व हैं वो डिफॉल्ट ना कर जाए तो वो प्रोटेक्शन खरीद रहा होता है और एक पार्टी जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है इट इज़ अ सेलर जो के वो रिस्क टेक करके ऑन अगेंस्ट समीमियम वो उनको इंश्योर कर रहा होता है कि इफ़ दैट पार्टी डिफॉल्टो आई एल बी पेइंग यू सी डी एस पे ऑफ अपन अक्रेंस ऑफ क्रेडिट इवेंट्स क्रेडिट इवेंट्स कु भी नॉर्मली बैंक क्रप्सी की जो कंपनी है वो बैंक क्रप्ट हो गई है या वो पे नहीं कर पा रही कैश फ्लो इशूज हैं उनके और कुछ कंट्रीज में रिस्ट्रक्चरिंग भी इसी एम्बेड में आ जाती है सेटलमेंट ऑफ सी डी एस कैन अकर थ्रू कैश पेमेंट फ्रॉम द क्रेडिट प्रोटेक्शन सेलर टू द बायर जिसने बाय किया हुआ प्रोटेक्शन सेलर उसको देता गया अच्छा जी आपका ने ये बॉन्ड खरीदा हुआ था वो बॉन्ड डिफॉल्ट कर गया तो वी विल कंपनसेट यू फॉर द लेकिन वो लॉस भी इस तरह कंपनसेट करेंगे कि उस कैटेगरी का जो बॉन्ड चीपेस्ट बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंगली उसकी सेटलमेंट डिटर्मिन होगी इट्स नॉट लाइक कि वो हंड्रेड रुपीज़ उनको ही देना पड़ेगा हंड्रेड का बॉन्ड है तो जितने पैसे वो पार्टी डिफॉल्ट है उसने दे दिए और उस वैल्यू के जो मार्केट में बॉन्ड आ गए हैं उसके करंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली डिफरेंस की पेमेंट हो जाती है कैश सेटलमेंट पे ऑफ इज डिटर्मिन बाय द ऑक्शन ऑफ रेफरेंस एंटिटीज़ डेट उसकी एक ऑक्शन होती है व्हाट इट गेट्स आउट ऑफ इट और जितना रिकवर हो जाता है उसके ओवर एंड अब जो रिक्वायर्ड है उसमें पेमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती है तो बेसिकली इट्स जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस के आपको जो आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है यू विल बी गेटिंग योर सेफ गार्ड फॉर दैट दिस इज क्रेडिट फॉर स्वर सिंगल नेम अब ये किस किस पे हो सकता है क्रेडिट डिफॉल्ट ये किसी एक इंस्ट्रूमेंट पे हो सकता है जैसे हमने मोबिलिंग का बॉन्ड लिया हुआ है उस पर हम ले लें या पेल का बॉन्ड है या इंटरनेशनल किसी और एंटिटी का है इट कुड बी ऑन वन पर्टिकुलर एंटिटी वो रेफरेंस एंटिटी जो है वो उस पर ये हो सकता है सिंगल नेम डिफॉल्ट इज सिमिलर टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एज अ जस्ट टोल्ड यू इट्स जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस और आपने उसकी फिक्स रेट पे स्ट्रक्चर में आपने लॉक इन कर लिया कि वट यू गेट आउट ऑफ इट एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल ऑन इंडेक्स ये थोड़ा सा मोर बेनिफिशल स्ट्रक्चर है कि राधर देन हैविंग वन इंस्ट्रूमेंट इफ यू हैव मैनी बॉन्ड्स तो आप इंडेक्स पे सो आप ले लेते हैं कि उस इंडेक्स से रिलेटेड जो जो उसमें कैटेगरीज आ रही हैं यू आर गेटिंग अ पूल दैट इज बींग इन श्योर्ड एंड इफ समथिंग हैपन्स टू वन ऑफ द एलिमेंट एंड देन यू विल बी कम्पनसेटेड ऑब्वियसली पूल पूरा डिफॉल्ट भी नहीं करेगा और तो जितनी उसके परसेंटेज डिफॉल्ट होगा उसी अकॉर्डिंगली पेयर और बायर का सेटलमेंट हो जाएगी दिस स्वैप वर्क प्राइमरली एज इफ स्वैप बायर एंड सेलर एंट्रिंग इनटू सेवरल इंडिविजुअल मल्टीपल क्योंकि एलिमेंट्स हैं उसमें मल्टीपल की कॉन्ट्रैक्ट्स को ये यह यहाँ पे कैप्चर कर रहे होते हैं इन सेंस द स्वैप इज एन एक्सटेंशन टू सिंगल नेम तो वो वन की बजाय अब मल्टीपल आपने ले लिए मे बी टेन मे बी ट्वेंटी बॉन्ड्स जो हैं जिसमें आपका पूल है उस पूरे पे आपने ले लिए इंस्टेड ऑफ वन रेफरेंस एंटिटी अब यहां पे सेवरल रेफरेंस एंटिटी होगी जो जो उस इंडेक्स में पार्ट हैं या जो आपके अपने पोर्टफोलियो में हैं यू कैन कंसिडर इट विद रिस्पेक्ट टू दैट इन अदर वर्ड स्वैप रेफरेंस ऑल नेम एंटिटी इंडेक्स सो मच दैट दैटेंट ऑफ डिफॉल्ट क्रेडिट इवेंट इज सेटल्ड ऑन द नेम ऑफ वेट जिस एंटिटी का जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी सेटलमेंट हो जाएगी इन्वेस्टर में यूज स्वैप्स ऑन क्रेडिट इंडेक्स टू हेज़ पोर्टफोलियो ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट आप ये पूरे अपने पोर्टफोलियो को सेफ गार्ड कर सकते हैं और पोर्टफोलियो वन इज स्लाइटली चिप अगर आप एक एक सबका लेते रहें देन दैट कुड बी कॉस्ट यू हायर बट वेन यू टेक फॉर अ पोर्टफोलियो देन दैट्स अ कास्ट सेविंग एलिमेंट एज वेल जैसे आप नॉर्मली अब देखते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ इंश्योरेंस लें दैट्स हायर अगर आपने पूरे ग्रुप की पूल की लें तो देट्स अ लोअर साइड इंडेक्स डिफॉल्ट स्वैप प्रोवाइड ऑल्सो अ बेंच मार्फ अ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द डिफॉल्ट ऑफ इशुंग एंटिटीज ट्रेड यूज दिसप टू स्पेकुलेट ऑन चेंजेस इन क्रेडिट क्वालिटी ऑफ फिक्स इनकम ये जरूरी नहीं है कि इसमें स्पेकुलेटर वो हैजर जो हैं वही आएँ कि जो हमारे पास जिनके पास बॉन्ड हैं इफ़ यू आर थिंकिंग कंपनीज की वैल्यू लो होगी तो उसमें स्पेकुलेटर भी आगे इन्वॉल होते हैं और वो दे जस्ट मेक पोजिशन फॉर मेकिंग प्रॉफिट तो वो यानी कि हेजर्स भी होंगे और स्पेकुलेटर्स भी होंगे सो दिस इज हाउ इट वर्क्स बाकी हम इसकी फर्दर भी फर्दर डिटेल एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ी करेंगे थैंक यू